प्रयागराज में माननीय मुख्यमंत्री जी ने माघ मेले में भूमि आवंटन एवं साधु महात्माओं एवं कल्पवासियों को मिलने वाली सुविधाओं में किसी भी प्रकार की शिकायत न होने देने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री जी ने बैठक में माघ मेला 2023 की तैयारियों के बारे में भी समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को 20 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से सभी कार्यों को पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि माघ मेले के आयोजन में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि माघ मेला महाकुंभ 2025 के लिए रिहर्सल के रूप में होगा। उन्होंने कहा कि मेले में भूमि आवंटन साधु महात्माओं एवं कल्पवासियों को दी जाने वाली सुविधाओं में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि कहीं से भी शिकायत पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने माघ मेले को शीर्ष प्राथमिकता पर स्वच्छ बनाए रखने के लिए कहा है। साथ ही साथ उन्होंने मेला क्षेत्र में सरकार की योजनाओं का भी व्यापक प्रचार प्रसार कराए जाने के लिए कहा है। उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री से नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।